हम लोग थर्ड पार्ट पे आ गए। मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन समझ रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जो थर्ड टाइप था हमारा, उसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम। हम लोग क्या बताएं, लैटरल क्या है? लैटरल इज ए पोजीशन। अब इस पूरे डायग्राम में ये किसका डायग्राम बनाया है? अभी हम लोग पहले भी बनाए थे इस डायग्राम को। ये है एक डायकॉट के स्टेम का। एक डायकॉट के स्टेम में फिर से हम इन बातों को रिपीट नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या मिला था। हम लोग कहे बाहर वाले टिश्यू का नाम था एपीडर्मिस, सेकेंड वाले लेयर का नाम था हाइपोडर्मिस, है ना। उसके बाद वाले कुछ लेयर का नाम क्या था? कॉर्टेक्स। और उसके अंदर वाले लेयर का नाम था एंडोडर्मल सेल। और फिर जो नम सेल था उसका नाम था पेरिसाइकिल। तो हम लोग, लेकिन हम लोग का कंसर्न यहाँ पे क्या है? हमारा कंसर्न है लैटरल मेरिस्टेम समझना। लैटरल मेरिस्टेम को समझने के लिए, ये एक डायकॉट का स्टेम है। तुम ये समझो इस डायमीटर का एक पेड़ नीचे गिरा हुआ है, पेड़ गिर जाता है, उस पेड़ गिरे हुए पेड़ को यूं काटे हैं और हम इसको इस बोर्ड पे चिपका दिए और तुमको दिखा रहे हैं, तो तुमको पोजीशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो पहला कैम्बियम क्या मिला था? जाइलम और फ्लोएम के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम मिला था। इसका नाम रखे थे फेसिकुलर कैम्बियम। अब इस डायग्राम को जब हम इस प्लांट को खड़ा करते हैं, ये प्लांट के डायग्राम को समझने के लिए हम क्या बताएं कि एक प्लांट के बारे में सोचो। ये प्लांट ऐसे गिरा हुआ है नीचे की ओर, तो नीचे भी गिरा हुआ है, हमने एक टुकड़ा इसका काटा और इस गोल टुकड़े को हम बोर्ड पे चिपका दिए। तो अब पोजीशन देखो, जब ये खड़ा होता तो ये ऐसे आता, तो पोजीशन दिखा रहे हैं। ये है फेसिकुलर कैम्बियम, ये बोर्ड पे यहां है। तो प्लांट में कहां था? देखो प्लांट के लैटरल साइड में। ये पूरा प्लांट है, कहां है? उसके लैटरल साइड में। तो पहला पोजीशन किसके बारे में देखो? तुम सिर्फ कैम्बियम के बारे में सोचो। कैम्बियम वैस्कुलर बंडल में यहां लोकेटेड है। फिर हम उस प्लांट को खड़ा कर रहे हैं और देखो तो कहां पे है ये? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये लैटरल पोजीशन पे है। नहीं, फिर आ जाओ, हम लोग कैम्बियम को देख रहे थे और इस कैम्बियम के बाद कॉर कैम्बियम को देख रहे हैं। ये कॉर कैम्बियम का पोजीशन फिर कहां है? प्लांट को फिर से खड़ा किए हैं। कहां पे बेटा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये कहां पे है? ये लैटरल इन पोजीशन है। किधर से भी देख लें, हम लोग यहां से देखते हैं और खड़ा किए, कहां पे है ये? लैटरल इन पोजीशन है। मतलब वो वैस्कुलर टिश्यू का पोर्शन, जैसे यहां पे वैस्कुलर टिश्यू का पोर्शन था कैम्बियम, उसके बाद हम लोग बनाए थे कैम्बियम रिंग और फिर देख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों ही लैटरल इन पोजीशन है। तीनों ही पोजीशन वाइज कैसा है? लैटरल इन पोजीशन है। तो लैटरल मेरिस्टेम में पहला एग्जांपल हो गया जाइलम और फ्लोएम के बीच। ये जाइलम दिखाए थे, ये फ्लोएम दिखाए थे। जाइलम और फ्लोएम के बीच मिलने वाले मेरिस्टमेटिक टिश्यू का नाम क्या रखे थे? फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम इज ऑल्सो लैटरल इन ओरिजिन। लेकिन नेचर में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम यहीं पे पूछें तो हम लोग क्या कहेंगे? फेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन। इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन पोजिशन वाइज वो किसका एग्जाम्पल हो गया? पोजिशन वाइज ये एग्जाम्पल हो गया ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंड कंडीशन पे हम लोग आ गए कैम्बियम रिंग। इंटायर कैम्बियम रिंग इज ए मेरिस्टमेटिक टिश्यू। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ दो तरह के सेल से बना हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम और यहां पे जो टिश्यू अचानक रिगेन किया था उसका नाम क्या रखे थे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में ही सिर्फ सोचो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी लैटरल इन पोजीशन है। कौन से पोजीशन पे है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पे उंगली हाथ रखें और ऐसे खड़ा किए प्लांट को। किस पोजीशन पे है ये? लैटरल इन पोजीशन है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब यहां पे हम लोग वर्ड लिख दिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इट इज ऑल्सो कैसा हो गया? लैटरल इन ओरिजिन एंड पोजिशन। तो बोलेंगे हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल, पूरा का पूरा कैम्बियम रिंग लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल, और फाइनली ये दिखाएंगे कॉर्क कैम्बियम। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? कॉर्क कैम्बियम। यहां पे जो बना था इसको कह दिए थे कॉर्क कैम्बियम।
कोर कैम्बियम कब बना था? जब ये नया नया सेल कट ऑफ कर रहा था, बताए थे एपिडर्मिस क्या हुआ था, रप्चर कर गया था। तो एपिडर्मिस के रप्चर होने के बाद जब नया नया ये सेल बना रहा था तो एपिडर्मिस के दीवाल पे प्रेशर पड़ रहा था और एपिडर्मिस रप्चर किया, उसी समय जो प्रोटेक्टिव लेयर बना, इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या रखे हम लोग? कॉर्क कैम्बियम। तो हम लोग लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल जान गए। क्या क्या जाने लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल? पहला एग्जांपल शुरू करो बोलना। पहला एग्जांपल वैस्कुलर बंडल के अंदर मिलने वाले इस मेरिस्टेम का नाम फैसिकुलर कैम्बियम। जरा पोजिशन देखने के लिए क्या करना है, बोर्ड पे हाथ रखना है और फिर उसको खड़ा करके देखना है कहां पे है। तो ये डायग्राम में कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है? लैटरल इन पोजीशन। तो पहला हम लोग एग्जांपल हो गया फेसिकुलर कैम्बियम लैटरल इन पोजीशन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम लैटरल इन पोजीशन, कैम्बियम रिंग, इंटायर कैम्बियम रिंग लैटरल इन पोजीशन, देन कॉर्क कैम्बियम लैटरल इन पोजीशन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। अब फिर एक खास बात, लैटरल मेरिस्टेम कब बन रहा था? फेसिकुलर कैम्बियम तो लैटरल इन पोजीशन है और शुरू से प्लांट में था, लेकिन ये कैम्बियम रिंग जिस समय प्लांट का ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हुआ, प्लांट का डायमीटर बढ़ना शुरू हुआ, उस समय ये बना। जब प्लांट लंबाई में बढ़ रहा था उस समय ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बना था। इसका मतलब ये है कि ये जो लैटरल मेरिस्टेम है ये प्लांट के डायमीटर के बढ़ने में हेल्प करता है, और प्लांट के डायमीटर के बढ़ने को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। अब यो सोचो कि जब तक तुम लंबे हो रहे हो तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ को कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और जिस दिन से तुम मोटे होने शुरू होना हो गए हम लोग उसका नाम रखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम लोग एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी ग्रोथ के क्योंकि हम लोग मोटे हो गए हैं, और तुम लोग एग्जाम्पल हो प्राइमरी ग्रोथ के क्योंकि तुम लोग दुबले पतले लंबे हो। तो लंबाई में इंक्रीज को क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रोथ, वेरी गुड। और डायमीटर में इंक्रीज को क्या कहेंगे? वेरी गुड, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोग देखे। सेकेंडरी ग्रोथ किन टिश्यू से हो रहा था फिर से रिकॉल करो और सोचो। तो कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में किस तरह के मेरिस्टेम का पार्टिसिपेशन हुआ, हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ में लैटरल मेरिस्टेम का पार्टिशन हुआ, विच आर लैटरल इन पोजीशन। और कौन कौन सा ऐसा टिश्यू था? ऐसे टिश्यू का नाम था फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरे टिश्यू का नाम था इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, तीसरे का नाम था कैम्बियम रिंग, और चौथे को हम लोग कह रहे थे कॉर्क कैम्बियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, इसके पहले देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये दो टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग आएंगे थर्ड टॉपिक पे जिसका नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से मेरिस्टेम कितने पार्ट का होगा। मेरिस्टेम के थर्ड और लास्ट फंक्शन पे आ रहे हैं, और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो अब तक हम लोग जो पढ़े वो देखे, मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब जो हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे हेबरलैंड, है ना। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन पार्ट में इसको डिवाइड की है और कहे प्रोटोडर्म। अब तुम लोग ये सीख गए होगे टर्म कैसे बन रहा है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, डर्म मतलब स्किन, प्रो शब्द का मतलब भी प्रिमिटिव, कैम्बियम मतलब जान गए वो टिश्यू जो डिवाइड करेगा, और पहला जो टर्म है प्रो कैम्बियम ये वो टिश्यू है जो डिवाइड करने के बाद दो कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोयम और जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम मिल रहा था ये बनाएगा। तो जब एक प्लांट ग्रो कर गया तो अभी जो डायग्राम हम लोग बनाए उसमें क्या क्या देखे, आउटर मोस्ट पोर्शन, आउटर मोस्ट पोर्शन ये डर्मेटोजर्म हम लोग कह रहे थे जिसका नाम था प्रोटोडर्म, ये बनाएगा एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाहर का पोर्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग को ये टिश्यू सिस्टम में पढ़ना भी है,
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसको कह रहे हैं? प्लांट के आउटर मोस्ट पोर्शन का नाम रखे एपिडर्मल। ये नाम कैसे रखा? एपी मतलब एबव, डर्म मतलब स्किन। एपी मतलब एबव, बाहर, और डर्म का मतलब क्या बताया? स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं साइंटिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं जो स्किन का, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्म शब्द का मतलब क्या होता है? स्किन। तो स्किन के बाहर वाले पोर्शन को बनाने वाले उस मेरिस्टेम का, वो मेरिस्टेम जो प्लांट के बाहर का पोर्शन बना रहा है, उसका नाम क्या रखे? एपिडर्मल, है ना, टिश्यू सिस्टम। और ये बना किससे? तो ये बना प्रोटोडर्म से। किससे बना? नाम ही से पता चल जा रहा है, डर्म मतलब स्किन, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव। स्किन बनने से पहले प्रिमिटिव स्टेज का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम रख दिया गया प्रोटोडर्म। और ये क्या बनाया? ये ग्रो करके बनाया प्लांट का बाहर का पोर्शन। प्लांट के बाहर के पूरे पोर्शन का नाम क्या रखे हम लोग? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जब बात करेंगे तो कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या मिला? तो इसमें बाहर का एपिडर्मिस मिल रहा है। उस एपिडर्मिस में जगह जगह पे कुछ पोर्स है, जैसे पत्ते की हम लोग बात कर रहे हैं तो पत्ते के सरफेस पे देर आर मेनी स्मॉल टाइनी पोर्स, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा होगा? ट्रांसपिरेशन कर रहा होगा। तो हम लोग कहते हैं इसका पार्ट होता है स्टोमाटा, है ना, वो टाइनी पोर भी इसी टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा। किसका? तो हम लोग क्या बताएंगे, प्रोटोडर्म ये क्या क्या बनाया? ये बनाया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसी के बॉडी का पार्ट है शूट में मिलने वाला हेयरी स्ट्रक्चर, इसको जिसको हम लोग कहते हैं शूट हेयर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। तो इसका एक पार्ट हो गया एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट हो गया इन बिटवीन देर आर मेनी स्मॉल पोर, पत्ते में दिखता होगा ये जो माइन्यूट पोर होता है, जो टाइनी पोर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और फिर हम लोग थर्ड बोले शूट हेयर। स्टेम के बॉडी से मल्टीसेलुलर हेयर जो निकल रहा था, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ट्राइकोम। पूरे बॉटनी में ट्राइकोम शब्द का मतलब जान लो। ट्राइकोम शब्द का मतलब होता है हेयरी स्ट्रक्चर, कहीं भी कोई हेयरी आउटग्रोथ दिखाई देता है उसके लिए ये टेक्निकल वर्ड है। This is a technical word used for hairy kind of outgrowth. Any hairy outgrowth from the body of the stem will be termed as trichome. तो ये तीन बातें हम लोग बताए। तो हम लोग क्या देखे? On the basis of function. On the basis of function, पहला meristematic tissue जो outer most portion को बनाया, उसका नाम क्या रखे? Protoderm. दूसरा, जो प्लांट में xylem और phloem हम लोग अभी डायग्राम में दिखाए थे, कंडक्टिंग टिश्यू बनाया, उसका नाम रखे प्रोकैम्बियम। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन था? हम लोग बताते हैं कि दो कंडक्टिंग टिश्यू है, एक पानी को कैरी करता है कहां से कहां? रूट से लेके लीफ तक। और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड को कैरी करता है कहां से कहां? लीफ से उसके डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक। तो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग कहते हैं, एक पानी ले जाता है और एक खाना ले जाता है। तो कहते हैं प्लांट की पत्तियां जो है, लीफ जो है ना, वो उसकी मम्मी है। प्लांट की पत्तियां, लीफ क्या है? उसकी मम्मी है, जो क्या करती है? खाना बनाती है। और खाना बनाते समय दो बेटे का नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बेटे को बोलती है जा बेटा नीचे से पानी ले आ। कहां से? ग्राउंड फ्लोर से, नीचे से, ग्राउंड से नल चला के पानी ले आ। तो जाइलम भैया का काम क्या हो गया? दो भाई है, कौन कौन? जाइलम भैया और फ्लोएम भैया। जाइलम भैया का काम क्या हो गया? पानी को कैरी करना। तो पत्ती लीफ किसको बोली? जाइलम बेटे को बोली जा बेटा नीचे से पानी ले आ। और जाइलम क्या करना शुरू किया? कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम हम लोग कहेंगे फ्रॉम ग्राउंड अप टू द लेवल ऑफ लीफ, लीफ तक पहुंचा दिया। पत्ती कौन हो गई? हम लोग बोल रहे हैं लीफ इज मम्मी, ये खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद अब अपने दूसरे बेटे को काम सौंपी कि जा बेटा ये खाना जाके जगह जगह पे पहुंचा दो। तो दूसरे बेटे का नाम क्या रखा गया? फ्लोएम। तो फ्लोएम भैया क्या किया? फ्लोएम भैया उस खाने को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट पे पहुंचाया। तो इन दोनों को क्या, कौन से टिश्यू का नाम दिया गया? इन दोनों को मिला के कह दिए कंडक्टिंग टिश्यू। और
जाइलम और फ्लोएम के अभी जो डायकॉट के एनाटॉमिकल स्टेम दिखाए उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन था, तो बीच में अवेलेबल था कैम्बियम। ये तीनों टिश्यू, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू और कैम्बियम मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये तीनों जिस मेरिस्मेटिक टिश्यू से बना है उसका नाम क्या रखे, प्रो कैम्बियम। और मीनिंग क्या बताए, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या बताए, प्रिमिटिव। ये सबसे प्रिमिटिव कैम्बियम है, मतलब जो कैम्बियम बाद में डिवाइड करके जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम बनाएगा उसका नाम रखती है प्रो कैम्बियम। और तीसरा हम लोग चलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। हम लोग फिर वो डायग्राम एक बार, ग्राउंड किसको बोलते हैं, एपिडर्मिस के अंदर ये दिखा रहे हैं एपिडर्मिस और ये दिखा रहे हैं एंडोडर्मल सेल, है ना, एंडोडर्मिस और ये दिखा रहे हैं हम लोग एपिडर्मिस। और हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्राउंड है और फिर इसके अंदर भी ग्राउंड है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, अब इसके अंदर फिर हम लोग दिखा रहे थे वैस्कुलर बंडल बना दिए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना इस पोर्शन को बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड मेरिस्टेम इन सारे पोर्शन को बना रहा, नेचुरली कौन कौन सा पोर्शन हो गया, यहां पे बताए थे हाइपोडर्मिस, उसके बाद बताए थे कुछ सेल, उसका नाम क्या था, कॉर्टेक्स, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या बनाए थे हम लोग, एंडोडर्मिस। तो ये सारा टिश्यू क्या है, उस प्लांट का बेस है, उस प्लांट का ग्राउंड है। बाहर वाले का नाम रख दिए एपिडर्मिस और जो वाटर और फूड को कैरी कर रहा था उसका नाम रख दिए वैस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के सारे टिश्यू को प्लांट का ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। और ये ग्राउंड टिश्यू जिस मेरिस्टेम से बना उसका नाम क्या रखेंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने तरह का मेरिस्टेम हो गया, पहला हो गया प्रोटोडर्म, प्रिमिटिव डर्म, वो एम्ब्रियोनिक, वो डर्म, वो स्किन या वो मेरिस्टेम जो फाइनली डर्म को बनाएगा। डर्म मतलब स्किन, मतलब जो प्लांट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा उसको किस नाम से जानेंगे, प्रोटोडर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया प्रो कैम्बियम, प्रो मतलब प्रिमिटिव कैम्बियम, प्रिमिटिव कैम्बियम डिवाइड करके किनको किनको बनाएगा, कंडक्टिंग टिश्यू को बनाएगा। और कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन हो गया, जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यू और साथ साथ कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तीसरा ग्राउंड मेरिस्टेम जो पूरे प्लांट के ग्राउंड के पोर्शन को बनाएगा। ग्राउंड का पोर्शन कौन कौन सा बताए, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, उसके बाद वाले सेल ये भी ग्राउंड है कॉर्टेक्स। तो हम लोग ये डिस्कस किए कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होगा, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तीनों का फंक्शन हम लोग देखे, प्रोटोडर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, प्रोकैम्बियम जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम बनाएगा, और ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम ग्राउंड ऑफ द प्लांट बनाएगा। और ग्राउंड ऑफ द प्लांट कौन कौन सा है, हाइपोडर्मल सेल, कॉर्टिकल सेल और अंदर में मिलने वाला पिथ और पिथरे, ये सारा ग्राउंड टिश्यू हो गया। तो हम लोग अगर पूरे प्लांट का कॉन्सेप्ट लें तो क्या कहेंगे, एक बाहर वाला टिश्यू इसको कह देंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एक वैस्कुलर टिश्यू जो वाटर और फूड को कैरी कर रहा है इसका नाम रख दिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बाद इसके अलावे जितना भी टिश्यू है दे आर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये हम लोग क्या डिस्कस किए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग आ रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग समअप करें फाइनली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर टिश्यू विच रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, दे कंटेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो आइदर दे आर प्रेजेंट इन ए डिवाइडिंग कंडीशन और दे रिटेन पावर ऑफ डिवीजन। जिस समय हम देख रहे हैं या तो वो डिवीजन की कैपेसिटी को कैरी करता है या हम लोग कहें कि वो पावर ऑफ डिवीजन को कैरी करता है या ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ और इस टॉपिक का नाम था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या देखे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखे, कब ये ओरिजिन हुआ तो बताया उसके बेसिस पे हम लोग एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ सकता था,
उसके बाद वो प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट में आ सकता था, फिर सेकेंडरी बॉडी ऑफ द प्लांट में आ सकता था। तो हम लोग देखे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फिर पोजीशन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देखे एपेक्स पे मिल सकता था, इंटर कैलरी पोजीशन पे मिल सकता था या लैटरली मिल सकता था, और तीसरा देखे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ और ये टॉपिक का नाम था मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जैसे ही अब हमारा खत्म हो रहा है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को डिस्कस हम लोग कैसे करते हैं, परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिस्कस करने के लिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही कंपेयर करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो टर्म यूज करते हैं वो हम लोग हम लोग अब कौन सा टॉपिक देखना शुरू किए, परमानेंट टिश्यू। जो ही हम लोग परमानेंट टिश्यू पे आए तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे कंपेयर कर रहे थे, हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो एक लाइन इधर खींचे और यहां पे लिख दिए मेरिस्टमेटिक, मतलब इसके कैरेक्टर को, परमानेंट टिश्यूज के कैरेक्टर को मेरिस्टमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर के बेसिस पे समझा जाता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी इट रिटेन पावर ऑफ डिवीजन। इसमें क्या था, पावर ऑफ डिवीजन था। लेकिन एक परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग क्या बताए थे, एक बच्चा जब दादाजी में कन्वर्ट हो गया, जब वो बड़ा हो गया, अब वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, दादाजी की लंबाई नहीं बढ़ रही है, दादाजी स्टैग्नेंट हो गए, लेकिन बच्चा हर साल ग्रो कर रहा था, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन था, वो छोटे बच्चे के समान था। परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्ड और बहुत अच्छे से समझते हैं, हम लोग क्या टर्म यूज किए, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। अब तुम्हारे पास जो ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन देता है परमानेंट टिश्यू देता है डू नॉट कंटेन पावर ऑफ डिवीजन, पहला ऑप्शन यही रहता है इट डज नॉट कंटेन पावर ऑफ डिवीजन, और लास्ट ऑप्शन रहता है इट हैज लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, इट डज नॉट कंटेन नहीं लिखना है, इट इनिशियली देयर वॉज अ टाइम वेन इट वॉज कंटेनिंग पावर ऑफ डिवीजन। ये जो परमानेंट इश्यू है ये किससे बना, वो बच्चा ही ना दादाजी में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो बच्चा जब दादाजी में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जिस समय वो बच्चा था वो डिवाइड कर रहा था, दादाजी जब बच्चे थे तब तो डिवाइड कर रहे थे ना, तब वो लंबे हो रहे थे, आज वो दादाजी हो गए, मतलब अब ये ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यूं कहें कि बच्चे का फ्यूचर है दादाजी में कन्वर्ट होना, और दादाजी का पास्ट बचपन होता है, मीनिंग बाय परमानेंट टिश्यू अब इसलिए नहीं ग्रो कर रहे हैं, दादाजी अब इसलिए नहीं ग्रो कर रहे हैं क्योंकि एक समय वो डिवाइड कर रहे थे, अब उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, अब नहीं है, पहले कभी थी, मेरे जेब में पर्स में पैसा था, अब नहीं है, तो टर्म यूज करेंगे लॉस्ट मनी। मेरे पर्स में 100 रुपए का नोट था और अब नहीं है, तो कहीं गिर गया, वी हैव लॉस्ट पावर ऑफ मनी। मैं यहां पे हम लोग टर्म यूज की, वी हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। तो परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू हो गया, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इट हैज लॉस्ट, ये नहीं बोलेंगे कि डज नॉट कंटेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से, मेडिकल के एग्जाम में बहुत गलतियां होती हैं। ऑप्शन में लिखा रहता है डज नॉट कंटेन पावर ऑफ डिवीजन, बच्चों को याद रहता है परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइड, तुरंत उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन फिर हम लोग एक बात और बताएं, इसका वॉल कैसा होगा। नॉर्मली बुक्स में लिखा रहता है थीन वॉल किसके लिए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के लिए, और यहाँ पे हम लोग थिक वॉल लिखा रहता है ना। अब हम लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट लिखते हैं और हम लोग समझते हैं, हम क्या किए जरा ध्यान से देखो, थिक वॉल को लिखे और घेर दिए, लेकिन साथ में एक वर्ड और लिखे थिन वॉल, बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा तुम लोगों को, सर आप थिक भी लिख दिए और थिन भी लिख दिए, बिल्कुल इसको अच्छे से समझो। परमानेंट टिश्यू
नॉर्मली क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, तो नॉर्मली ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि दादाजी भी कभी कभी बच्चों की तरह एक्टिविटी करने लगते हैं, तो उस समय पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन कर लेते हैं। अब जो सोचो, जो सेल फिर से डिवाइड करने लगा, शायद उसका वॉल थिन होगा, और जो कभी नहीं रीगेन किया उसका वॉल कैसा होगा, ठीक होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, नॉर्मली इट कंटेन और रिटेन थिक वॉल, लेकिन बिकॉज इट हैज ए कैपेसिटी टू वंस अगेन रीगेन पावर ऑफ डिवीजन, ये कभी भी पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन कर सकता है, इसीलिए क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए टर्म यूज करते हैं दे मस्ट हैव ए थिन वॉल। तो इसमें थिक वॉल इज ए नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जो टिश्यू फिर से रीगेन करेगा पावर ऑफ डिवीजन उसका वॉल कैसा होगा, नेचुरली वो तभी रीगेन किया जब उसका वॉल थिन था। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और डिफरेंस हो गया। तीसरा कॉमन पॉइंट देखते हैं, दोनों ही एक्टिव है क्योंकि दोनों ही में न्यूक्लियस मिल रहा है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हम लोग कहते थे, क्या मिलना था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिल रहा था। कहने का मतलब यह था अब इसको समझते हैं, न्यूक्लियस को क्या कहते थे हम लोग, न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल, एक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। तो हम लोग क्या देखे थे, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू तो हाईली एक्टिव था, वो तो डिवाइड कर रहा था, वो इन ए स्टेट ऑफ डिवीजन था, वो काम कर रहा था। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल परमानेंट। दादाजी भी अपना काम करते हैं, दादाजी सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं, मतलब दादाजी ऑल्सो इज इन एक्टिव मोड। तो दादाजी एक्टिव इसलिए है क्योंकि परमानेंट टिश्यूज में क्या दिख रहा होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू में भी मिलेगा और एक परमानेंट टिश्यू में भी मिलेगा। ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के बीच में। तो हम लोग बेसिक डिफरेंस क्या टर्म यूज कर रहे थे, ए परमानेंट टिश्यू लॉस्ट परमानेंट, किस क्या चीज लॉस कर चुका है, ये पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका है। ए परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, अब इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं अब नहीं है, मतलब कभी ना कभी था। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब कभी ना कभी मेरे पास पैसे थे। तो यहां पे टर्म क्या हो गया, दे हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, मीनिंग बाय देयर वॉज ए टाइम व्हेन इट वॉज कंटेनिंग पावर ऑफ डिवीजन, तब उनका नाम बदला हुआ था, अब इनको परमानेंट कहते हैं, जब इनके पास पावर ऑफ डिवीजन था उस समय इसका नाम था मेरिस्टमेटिक टिश्यू, अब इनको दादाजी कहते हैं, लेकिन जब वो दादाजी छोटे थे तो वो भी बच्चा ही कहलाते थे, मतलब फ्यूचर दोनों का कोरिलेटेड है। दादाजी बच्चे से बने हैं, बच्चा बड़ा होके दादाजी बना। परमानेंट टिश्यू इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही ग्रो करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू को समझना है, लेकिन इसके पहले कुछ तुम्हारे सिलेबस में थ्योरीज दी गई हैं, इन थ्योरीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हम लोग मेरिस्टमेटिक को फिनिश करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरीज पे।